बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी एक मज़ेदार सी और स्पेशल सी। आज हम खीर बना रहे हैं। ये खीर जो कि शादियों में बनती है, शादियों के दावत में बनती है, आज उस खीर की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी और लजीज खीर बन के तैयार होती है। इसकी रेसिपी भी बहुत ही आसान सी है और इसको हम घर में इजीली बना सकते हैं। अपनी ईद पर हम इसको बना सकते हैं, स्पेशली अपने मेहमानों के आगे इसको हम रख सकते हैं और ये सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुरू कर लेते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। यहाँ हम ले लेते हैं 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। 1 लीटर दूध में मैं बनाऊँगी और 4 मैंने हरी इलायची डालकर उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब यहाँ वो चीज़ें हैं जो हमने इस खीर में यूज़ करनी है। यहाँ 1 कप मेरे पास शक्कर है। ये अगर ना हो तो आप चीनी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शक्कर है मेरे पास और यहाँ पर है मेरे पास 3 टेबल स्पून चावल थे। उसे मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। 3 टेबल स्पून है ये वाइट चावल लिए हमने। और यहाँ मेरे पास 1/2 कप है काजू। ये भी मैंने भिगो दिया था, इसको भी मैंने तकरीबन 2 घंटा पहले। और ये बादाम है 15 से 20 अदद होंगे ये बादाम, और इसको भी मैंने भिगो कर इनका छिलका निकाल लिया है। अब इन बादाम और काजू का मैंने पेस्ट बना लेना है। अपने मिक्सी के जार में डालकर इसका हमने दरदरा सा पेस्ट बनाना है और चावल का भी हमने एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। तो यह बादाम और काजू डाल देते हैं, पहले इसका बना लेते हैं। पानी ऐड नहीं करेंगे हम, ऐसे ही बगैर पानी के, क्योंकि ये भीगे हुए हैं, सॉफ्ट हैं, तो इजीली ये इनका पेस्ट तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूदी सा पेस्ट हमने नहीं बनाना है इसका। थोड़ा सा दाने वाला होना चाहिए क्योंकि खीर थोड़ी सी दानेदार होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसे मैं निकाल देती हूँ अपने बाउल में और इसी जार में मैं डाल देती हूँ अपने चावल भीगे हुए। अब इसको भी मैंने एक बार चला लेना है, ज़्यादा नहीं चलाएँगे। हल्का सा हमने धरधरा करना है इसको भी, बिल्कुल फ़ाइन सा हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो ये इस तरह से होना चाहिए, दाने वाला, दानेदार सा। तो अब इसे भी मैं अपने बाउल में निकाल देती हूँ। और दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है। यहाँ देखिए दूध बॉयल हो चुका है हमारा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने ये पेस्ट तैयार किए हैं, ये हम ऐड कर देते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने चावल का पेस्ट डाल दिया है इसमें। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने बादाम और काजू का पेस्ट तैयार किया था, वो भी इसके साथ ही मैंने ऐड कर देना है। और इसको हम पका लेंगे। ये काजू का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, ये देखिए दानेदार सा है। तो दानेदार सी खीर हमारी जब बनती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैंने इसमें डालकर इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर अभी तक फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ था। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी 20 मिनट के लिए। इसको मैं कवर करके छोड़ूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हमने रखना है। अब ये पकेगी तो हमारी खीर जो है ज़्यादा अच्छी बनेगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये पेस्ट और जो हमने चावल इसमें डाले हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ मैंने इसको 20 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्स्चर देख सकते हैं। हमारी खीर जो है ठीक हो गई है। इसमें बादाम और जो काजू का पेस्ट डाला गया है और चावल जो डाले गए हैं वो अच्छी तरह से इसमें कुक हो गए, सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शक्कर डालेंगे। शक्कर डालें या फिर चीनी डालें, आप उसको पकने के बाद ही इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मैंने शक्कर डाल दी है। शक्कर का ये कि कलर भी थोड़ा सा अच्छा सा आ जाता है इसमें और इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है चीनी के निस्बत। तो आप इसको एक दफ़ा शक्कर में बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये मैंने शक्कर डालकर इसको मिक्स कर दिया। यहाँ पर मेरे पास मिक्स नट्स थे, उनको मैंने कूट लिया था। काजू बादाम और पिस्ते थे, उन्हें मैंने कूट लिया था मोटा मोटा सा, और वो भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया है। अब एक विस्क ले लेते हैं और उसको विस्क की मदद से इसको हमने इस तरह से फेंट लेंगे ताकि सारे जो इसके अंदर लम्ब्स भी होंगे ना वो भी एक से हो जाएंगे, एक सा इसका टेक्स्चर आ जाएगा और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बनता है जब हम विस्क लेकर इसके साथ इसको फेंट लेते हैं। तो फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखा हुआ है हमने अभी तक, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी पतली है, हमें थिक करनी है अभी। अब यहाँ पर मेरे पास 1/2 कप है खोया, 200 ग्राम बनता है, ग्राम में अगर हम लेंगे तो वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इसके साथ ही, और यहाँ पर हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे खोया डालने के बाद। और ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद, खोया डालने के बाद, तो ये थोड़ी सी और थिक होगी। तो उसके बाद हमने ये उतार देनी है इसकी खीर को और फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ हमारी खीर जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश में निकाल देते हैं। तो ये मज़ेदार सी खीर बन गई है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है, ये खीर जल्दी से बन जाती है। तो इस खीर की मैंने आपके साथ 1 किलो दूध की रेसिपी शेयर की है। अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए, तो आपकी खीर आपकी हिसाब से तैयार हो जाएगी। तो ये स्पेशली ठंडी करके खाई जाती है, और जिन लोगों को गर्म पसंद है वो गर्म भी खा सकते हैं, लेकिन ये ठंडी खीर ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप इसको ठंडा कीजिए और एंजॉय कीजिए, अपने मेहमानों के आगे सर्व कीजिए, अपने ईद पे बनाइए, अपनी दावतों में बनाइए, तो ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।